इस वीडियो में हम सीखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में। बैकवर्ड काउंटिंग उल्टी गिनती को कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सीधी गिनती या फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे होती है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। इसको कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग या सीधी गिनती, यानी किसी भी दिए हुए नंबर से शुरू करके आगे की तरफ गिनते जाने को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग या सीधी गिनती कहते हैं। जबकि अगर मैं आखिरी नंबर से शुरू करूं, यानी अगर मैं इस तरह से करूं कि 5, 4, 3, 2 और 1, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये बैकवर्ड काउंटिंग कहलाएगी, यानी उल्टी गिनती। इसमें हम आखिर वाले नंबर से शुरू करते हैं और पीछे की तरफ चलते जाते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग को सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सामने एक ट्रेन है और इसके एक डब्बे के ऊपर मैंने लिख दिया 10। अब आपने क्या करना है, 10 से बैकवर्ड आपने 10 स्टेप्स काउंट करना है और यहाँ पे लिख देना है। 10 है तो 10 से पहले वाला नंबर कौन सा आएगा, 9। इसके बाद 9 से पहले वाला नंबर 8। 8 से पहले क्या आएगा, 7। इसी तरह 7 से पहले 6। 6 से पहले आएगा 5। 5 से पहले 4। 4 से पहले आएगा 3। 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। तो ये क्या कहलाएगी, बैकवर्ड काउंटिंग, जिसमें हम सबसे बड़े नंबर या आखिर वाले नंबर से शुरू करते हैं और एक एक स्टेप पीछे की तरफ आते जाते हैं। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 15 और 15 से पीछे आपने काउंट करते जाना है यहाँ तक। तो 15 से पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 14। 15 से पहले आएगा 14 और 14 से पहले, ये हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, 15 14 13। 13 से पहले 12। 15 14 13 12 और 12 से पहले 11। 11 12 और 11 से पहले क्या आएगा, 10। 10 11 10 और 10 से पहले 9। 9 से पहले कौन सा नंबर होगा, 8 होगा, 8 और उससे पहले 7 और उससे पहले आएगा 6। तो ये बैकवर्ड हमने काउंटिंग की, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 और 6। 15 से 6 तक हमने बैकवर्ड काउंटिंग की। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट 4 स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम 9, यानी हमने 9 से स्टार्ट करना है और कितने स्टेप्स आगे बैकवर्ड जाना है, 4 स्टेप्स। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 और 9 से हमने पीछे की तरफ जाना है 4 स्टेप्स, यानी 1 स्टेप 2 3 और 4 स्टेप्स तक हमने जाना है। तो 9 से पहले कौन सा नंबर आएगा,
एट, तो यहाँ हम लिखते हैं एट, और एट से पहले सेवन, सेवन से पहले कौन सा आएगा, सिक्स, ये हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं, सिक्स से पहले आएगा फाइव। तो इस तरह से हमने फोर स्टेप्स बैकवर्ड नाइन से चलते हुए फाइव तक आ गए, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव, ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट सेवन स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम ट्वेंटी। अब हमने ट्वेंटी से स्टार्ट करना है और कितने स्टेप्स पीछे जाना है, सेवन स्टेप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ट्वेंटी, अब ट्वेंटी से पहले कौन सा नंबर आता है जिसके बाद ट्वेंटी आए, नाइनटीन, क्योंकि नाइनटीन के बाद ट्वेंटी आता है, तो ट्वेंटी से पहले कौन सा नंबर है, नाइनटीन है, और किस नंबर के बाद नाइनटीन आता है, एटीन के बाद, इसलिए एटीन, और फिर एटीन के बाद ये नाइनटीन, तो एटीन से पहले कौन सा नंबर है, सेवनटीन, एटीन से पहले है नंबर सेवनटीन, और सेवनटीन से पहले सिक्सटीन, सिक्सटीन से पहले कौन सा नंबर आएगा, फिफ्टीन, और फिफ्टीन से पहले फोर्टीन, और फोर्टीन से पहले कौन सा नंबर आएगा, थर्टीन। तो हमने काउंट किया ट्वेंटी से सेवन स्टेप्स बैकवर्ड, तो ये क्या बन गया, ट्वेंटी, नाइनटीन, एटीन, सेवनटीन, सिक्सटीन, फिफ्टीन, फोर्टीन और थर्टीन। तो आज हमने पढ़ा बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में।